अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है आपकी फरमाइश पे। जी फ्रेंड्स, तो आज हम देख रहे हैं कि जी हम जो सवैयाँ हैं उनको कैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं। और मेरे जहन में सवैयाँ आई थी वो येलो कलर की मोटी मोटी जो सवैयाँ आती थी पहले हमारे बचपन में, तो मुझे लगा वैसी सवैयाँ होंगी। लेकिन जब मैंने जाके मालूम की सूती की सवैयाँ तो वो कुछ मिली, और ये बहुत बारीक है। मैं आपको पैकिंग खोल के दिखाती हूँ और इनको हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कैसे यूज़ करना है उसका तरीका भी बताऊँगी। तो जी देखें, साइंस ने जैसे जैसे तरक्की कर ली है, सवैयाँ भी जो हैं वो बदल चुकी हैं। इतनी बारीक बारीक सी हैं ये सवैयाँ, तो इनको ये डेफिनेटली यूज़ करना बहुत आसान होगा। लेकिन इसको किसी कपड़े के अंदर या सॉक्स के अंदर डालना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। इसको डायरेक्ट ही हम डालेंगे, लेकिन इसको हम इसके केबल में नहीं डालेंगे और ना ही मैं इसमें डायरेक्ट अभी डालूंगी, क्योंकि इसकी सुराख आपको नज़र आ रही है कि ये डायरेक्ट इनके अंदर जा सकती है, बहुत बारीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंपली जो है मशीन ऑन कर लेनी है, ऑन कर लेनी है। और जिस मोड पे आप कपड़े धोना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी क्विक है, इस तरफ की लाइट जल रही है। जब आप डबल करोगे इस तरफ जब आएगी तो ये ब्लिंक करना शुरू कर देती है। मैं बार बार बताती हूँ, देखें ये अभी जो ब्लिंक कर रही है तो ये डीप क्लीन मोड पे है, अभी ये वूल वाले मोड पे है, अभी ये डेलिकेट पे है, और अब ये आई है नॉर्मल पे। तो अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ क्विक मोड पे। क्विक में मैंने क्या करना है, वाटर लेवल कम ही रखेंगे क्योंकि हमने पहले बनानी है इसकी झाग। वॉश टाइम हम इसका 3 मिनट काफ़ी है, लेकिन इसको मैं बढ़ा इसलिए दूंगी कि ये ना हो कि मशीन बंद हो जाए, हमारा 3 मिनट पे ध्यान ना रहे और सारा जो है सरफ वो बाहर निकल आए। रिंस टाइम अभी फ़िलहाल वैसे ही चलने देते हैं, ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और इसको मैं स्टार्ट कर लूँगी। अभी इस मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया है, सवैयाँ इसमें हमने अभी ऐड नहीं करनी है। जब पूरा वाटर लेवल इसका कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसको स्टॉप करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताती हूँ, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो टॉप लोड है उसका एक यही फंक्शन है जो सबसे बेस्ट है, और यही रीज़न थी कि मैंने इसको लिया, क्योंकि इसमें मैं जब चाहे अपनी मशीन को फंक्शन के दौरान स्टॉप करके इसके अंदर मज़ीद कपड़े ऐड करना चाहती हूँ, सरफ ऐड करना चाहती हूँ, या जो चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर सकती हूँ। तो अभी पानी भर रहा है, मैं आपको बताती हूँ जब पानी भर जाएगा तो जब मशीन चलना शुरू कर देगी उस वक्त हम इसके अंदर सवैयाँ ऐड करेंगे। दोस्तों, अभी जो है मशीन ने पानी ले लिया है, इसको बस ये देखें सिंपली मैंने इसको स्टॉप किया। और अब जो सवैयाँ हैं वो मैं इस कैबिन में नहीं डालने वाली, इसमें नहीं डालूंगी। अगर आपने सॉफ्टनर डालना है तो वो आप यहाँ पे ज़रूर ऐड कर सकते हैं, और अगर सॉफ्टनर का खाना नहीं है तो भी मैं आपको बता दूंगी आपने कैसे यूज़ करना है। तो ये सिंपली आपने सवैयाँ लेनी है जितनी आपको चाहिए। अब ये देखें, अब ये पानी में है, हल्की हैं तो ये नीचे नहीं गई हैं, ऊपर ही तैर रही हैं पानी में, और हमने फ़ौरन से मशीन ऑन कर देनी है। तो इसकी अभी हम झाग बनने देंगे। लिड बंद किया और दोबारा से इसको स्टार्ट किया। दो मिनट आपने मशीन को उसी तरह से चलने देना है, उससे क्या होगा कि सवैयाँ जो है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएंगी। अगर आप साथ ही कपड़े डाल दोगे तो वो कपड़ों में चिपक जाएंगी और सरफ भी अच्छे से नहीं बनेगा। अभी आपने झाग बनने देना है। टॉप लोड और फ्रंट लोड पे यही फ़र्क होता है कि फ्रंट लोड में जो है वो सर्फ की झाग अच्छी बनती है, साबुन या जो भी आप उसमें यूज़ करना चाहें, टॉप लोड में नहीं बनती। लेकिन टॉप लोड में एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब चाहे इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप टॉप लोड में झाग बनाना चाह रहे हैं तो आपको अलग से साबुन या सर्फ या सवैयाँ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपने उसको अलग से टाइम देना है घूमने का, ताकि उसका झाग अच्छे से बन सके। जी दोस्तों, ये देखें अभी कितनी झाग बन चुकी है, ये देखें, ठीक है, कितने अच्छे से जो है झाग बन गई है सवैयों की। तो अब हम इसके अंदर कपड़े ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो सॉफ्टनर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर सॉफ्टनर का खाना नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसमें ऐड करनी है। एक बात और, मैंने इसमें वाटर लेवल कम रखा था ताकि अच्छे से झाग बन जाए। अब मैं क्या करूँगी, इसका वाटर लेवल बढ़ाऊँगी। ये देखिए वाटर लेवल 4, 5, 6, 7, 8, खुले पानी में धोती हूँ मैं कपड़े, ये 7 कर लेते हैं, चलें 7 मैंने वाटर लेवल रखा है इसका।
वॉश टाइम इसका जो है वो हम रखेंगे 15 मिनट्स, रिंस टाइम 1 इज़ इनफ और स्पिन टाइम हम इसका रखेंगे 7। इसको स्टार्ट करेंगे अब। इसने और पानी लेना शुरू कर दिया है और उसके बाद ये मशीन खुद से चलेगी जिस तरह ये पहले चली है और अब झाग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। होपफुली फ्रेंड्स आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। इससे आगे का प्रोसीजर आप देख सकेंगे, मेरे पास बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप जो है कपड़े धो सकते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, उनको चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही बताना था कि आप सवैयाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो फंक्शन था वो था मुख्तलिफ, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे का फंक्शन बिल्कुल सेम है। होपफुली आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, आपके सवालों पर ही मैं वीडियोज़ पर आती हूँ। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।